The question given is, let 3 pi by 4 is less than theta less than pi, and under root of 2 cot theta plus 1 upon sine square theta is equal to k minus cot of theta. Then we have to find the value of k. तो अगर हम देखें, हमें गिवन है अंडर रूट ऑफ 2 cot theta प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर theta. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 cos theta अपॉन साइन theta प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ऑफ theta. यहाँ पे LCM लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 sin theta cos theta प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर theta. और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वेयर theta प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर होल अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा. अब अंडर रूट के बाहर वैल्यू मॉड में आती है, तो हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज टर्म सेपरेट करें तो हो जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा. ये हो गया. अब जो थीटा है ये हमें गिवन है 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में, इसका मतलब थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कॉट ऑफ थीटा जो है ये नेगेटिव वैल्यू है. तो ये हमें मिलेगा कि अंडर रूट ऑफ 2 कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा के इक्वल. और इसको अगर कंपेयर करें के माइनस ऑफ कॉट थीटा से तो हमें मिलेगा के इज इक्वल टू 1. सो आर आंसर इज के इक्वल्स टू 1. ऑप्शन देखे तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर.